आज की स्टोरी का नाम है द कॉक एक मुर्गा, हु फाउंड जिसे मिला, अ ज्वेल एक गहना। तो ये है हमारी आज की स्टोरी। तो यहाँ पर कॉक का मतलब होता है मुर्गा, ज्वेल मतलब गहना या फिर रत्न, फाइंड का सेकंड फॉर्म होता है फाउंड, और यहाँ पर हु यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन कॉक के लिए। तो एक मुर्गा जिसे मिला एक रत्न या फिर गहना। तो ये है हमारी आज की स्टोरी। तो चलिए इसे रीड करना शुरू करते हैं, और उससे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश सिखाई गई है बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस अभी फिलहाल है 799, इन फ्यूचर इंक्रीज हो सकता है। तो आप इसे ज्वाइन करने के लिए मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, और आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो अभी फोकस करते हैं स्टोरी पर। तो स्टोरी इस तरह से है, वंस एक बार देयर लिव्ड रहता था अ कॉक एक मुर्गा। देयर यहाँ पर है सब्जेक्ट, लिव्ड यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी रह गए अदर वर्ड्स। तो रहता था एक मुर्गा इन द हार्ट, हार्ट का यहाँ पर मतलब है सेंटर वाले पार्ट में, मतलब बीचों बीच। किसके बीचों बीच? ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल के। जंगल की पहली बार बात हुई अ का यूज कर दिया, मुर्गे की पहली बार बात हुई अ का यूज कर दिया। तो यहाँ पे आप फ्रेज याद कर सकते हैं इन द हार्ट ऑफ, इसका मतलब हो गया के बीचों बीच। और देयर का चैप्टर है देयर लिव्ड रहता था, और एक वर्ड आप याद कर सकते हैं डेंस, इसका मतलब हो जाता है घना। तो डेंस फॉरेस्ट इज घना जंगल। तो एक बार एक मुर्गा रहता था घने जंगल के बीचों बीच। वन डे एक दिन ही फेल्ट टेरिबली हंगरी, उसे बहुत भूख लगी। यहाँ पर ही हो गया सब्जेक्ट, फील का सेकंड फॉर्म हो गया फेल्ट, और बाकी रह गए अदर वर्ड्स। अगर आप ध्यान से देखें तो भूख लगने का मतलब होता है फील हंगरी, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ रहा है टेरिबली। टेरिबली मतलब होता है बहुत भयंकर रूप से, मतलब बहुत ज्यादा। तो उसे बहुत ज्यादा भूख लगी। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनेट, आप यहाँ पर ये वर्ड याद कर सकते हैं टेरिबली, और इसको नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो आप बोल सकते हैं आई एम टेरिबली हंगरी, या फिर आई फील टेरिबली हंगरी, मुझे बहुत भूख लगती है और लगी हुई है, तो आई एम टेरिबली हंगरी, मैं बहुत भूखा हूँ। और ये पास्ट है ही फेल्ट, उसे लगी बहुत भयंकर भूख। एंड और वेंट, और वो चला गया, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, यहाँ पे एंड लग रखा है तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा ही, तो ही वेंट और वो चला गया इन सर्च ऑफ की तलाश में फूड। यहाँ पर दूसरा फ्रेज आप याद कर सकते हैं इन सर्च ऑफ की तलाश में, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, ही सब्जेक्ट स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उसने शुरू किया स्क्रैचिंग खरोंचना। स्टार्ट के बाद जब भी हम वर्ब लिखते हैं तो मोस्टली आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है लेकिन उसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो ही स्टार्टेड स्क्रैचिंग, उसने खरोंचना शुरू किया द ग्राउंड जमीन को, इन होप ऑफ की आशा में, किसकी आशा में, फाइंडिंग ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब अनाज, और फाइंडिंग कि उसको अनाज मिल जाएगा, इस आशा में उसने खरोंचना शुरू किया जमीन को। और ग्रेन किस लिए, फॉर हिज मील, उसकी मील के लिए, यानी कि उसके खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, एक तो स्टार्ट और स्टॉप के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, दूसरा ये फ्रेज आप याद कर सकते हैं इन होप ऑफ की आशा में, ऑफ लगा हुआ है तो इसके बाद वर्ब लिखेंगे तो डेफिनेटली आईएनजी तो आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन तीन सेंटेंसेस में आपने तीन फ्रेजेस सीखे हैं, एक तो इन द हार्ट ऑफ के बीचों बीच, इन सर्च ऑफ की तलाश में, या फिर इन क्वेस्ट ऑफ या इन हंट फॉर, और इन होप ऑफ की आशा में। तो काफी सारे फ्रेज आपने अभी तक सीख लिए। तो इसके बाद क्या हुआ, मीनवाइल इतने में, जब तक वो खोज रहा था स्क्रैच कर रहा था ग्राउंड को, तो मीनवाइल इतने में या इतनी देर में या फिर इस बीच, इसके लिए एक और वर्ड आता है इन द मीन टाइम। तो इतनी देर में ही डिस्कवर्ड
उसने खोजा या उसको मिला। डिस्कवर मतलब खोजना। ही सब्जेक्ट है डिस्कवर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो उसने खोजा अ ज्वेल, एक गहना या फिर रत्न। डीप गहराई में, इन द मड, मड मतलब कीचड़, तो कीचड़ की गहराई में उसको क्या मिला, एक ज्वेल। इट वॉज प्रीशियस, वो कीमती था, एंड बिग, और बड़ा था। यहाँ पर इट जो है ये एक प्रोनाउन है जो ज्वेल के लिए यूज हुआ है, तो वो कीमती और बड़ा था। द कॉक वॉज सरप्राइज, मुर्गा आश्चर्यचकित था। टू सी इट, उसे देखकर। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे वॉज की जगह गॉट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस मान लें तो ही वॉज सरप्राइज, तो ये सरप्राइज वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, जिसका मतलब हो जाएगा कि मुर्गा आश्चर्यचकित हो गया। और अगर आप इस सरप्राइज को एक एडजेक्टिव मानते हैं तो इसका मतलब होगा मुर्गा आश्चर्यचकित था। और आप चाहें तो यहाँ गॉट लगा सकते हैं, द कॉक गॉट सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित हो गया उसे देखकर। टू सी इट, ही लिफ्टेड इट, उसने उसे उठा लिया। लिफ्ट मतलब उठाना। एंड और, सेड टू हिमसेल्फ, और खुद से कहा। सेड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और सेड के साथ हम टू का यूज करते हैं, तो उसने खुद से कहा। अब डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, व्हाट अ प्रीटी ज्वेल इट इज, मतलब कितना सुंदर गहना है। प्रीटी मतलब होता है सुंदर, और ये जो एक्सप्रेशन है व्हाट अ प्रीटी ज्वेल इट इज, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो इट मस्ट बी वेरी प्रीशियस, ये तो बहुत प्रीशियस होगा, कीमती होगा। अब यहाँ पे मस्ट लगा हुआ है, मस्ट के साथ है बी, ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो होगा प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पे, कि ये तो बहुत कीमती होगा। तो जरूर के लिए हम वुड की जगह मस्ट लगा सकते हैं। अगर आप चाहिए की सेंस लगाते हैं कि ये तो बड़ा कीमती होना चाहिए, तो भी जरूर का सेंस होता है, तो शुड की जगह पे हम मस्ट लगा सकते हैं। तो इट मस्ट बी वेरी प्रीशियस, कि जरूर ये बहुत कीमती होना चाहिए, या फिर ये जरूर कीमती होगा। तो दोनों में मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या है, द वर्ल्ड विल रन आफ्टर इट, संसार इसके पीछे भागेगा। रन आफ्टर मतलब होता है किसी चीज के पीछे भागना, तो संसार इसके पीछे भागेगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, ही थॉट, उसने सोचा। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड, उसने क्या सोचा, यहाँ पर नीचे तक उसके एग्जैक्ट वर्ड थे आई एम हंगरी, मैं भूखा हूँ। हंगरी यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो मैं भूखा हूँ, एंड आई नीड फूड, और मुझे खाने की जरूरत है। आई सब्जेक्ट हो गया, नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फूड अदर वर्ड्स, तो मुझे इसकी जरूरत है। और अब यहाँ पे देखिए, आई एम हंगरी एंड आई नीड फूड। अब यहाँ पे आई जो है इसकी जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा बोलिए आई एम हंगरी एंड नीड फूड, क्योंकि आई दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बोला, व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगा, फ्यूचर इनडेफिनेट, विद के साथ, किसके साथ, अ ज्वेल, एक गहने के साथ, कि मैं क्या करूँगा। एट दिस टाइम, इस समय, द ग्रेन, जो अनाज है, इज मोर प्रीशियस, वो ज्यादा कीमती है। यहाँ पे देखिए मोर लगा हुआ है, दिस इज कंपेरेटिव डिग्री, सो ये हमारा डिग्री ऑफ कंपेरिजन का लेसन है, दो चीजों की कंपेरिजन होती है तो हम मोर लगाते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी तरह से प्रीशियस, मोर प्रीशियस, द मोस्ट प्रीशियस। तो जो अनाज है वो ज्यादा प्रीशियस है टू मी, मेरे लिए, बिकॉज, क्योंकि, आई कैन ईट इट, क्योंकि मैं इसे खा सकता हूँ, और एल्स, इसका मतलब होता है नहीं तो। ये वर्ड आप स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत बार देखेंगे, यूज कर सकते हैं, और एल्स मतलब नहीं तो, आई विल स्टार्व टू डेथ, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। स्टार्व टू डेथ मतलब होता है भूख से मर जाना। और यहाँ पे आप याद कर सकते हैं वर्ड रन आफ्टर, पीछे भागना, प्रीटी मतलब सुंदर, सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित, और इसके अलावा ग्रेन तो पता चल गया आपको, अनाज, और मोर प्रीशियस कंपेरेटिव डिग्री है, तो ज़्यादा कीमती। फिर क्या हुआ, सो इसीलिए,
द ज्वेल इज मीनिंगलेस, जो ज्वेल है वो अर्थहीन है, मतलब मीनिंगलेस है टू मी, मेरे लिए. ही लेफ्ट द ज्वेल, उसने गहने को छोड़ दिया, देयर वहां पर, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया डिगिंग, खोदना, डिग मतलब खोदना, स्टार्ट के साथ आईएनजी लगता है, तो खोदना शुरू कर दिया एट, कहां पर, अनदर प्लेस, दूसरी जगह पर. आई होप ये आपको समझ में आया. आगे लिखा है एक्चुअली, दरअसल या फिर वास्तव में, अ थिंग इज प्रीशियस, एक चीज कीमती होती है, ओनली इफ, केवल तभी, इट इज यूजफुल टू यू, अगर वो आपके काम की हो. तो ये थी हमारी स्टोरी. अब इसका मॉरल देख लेते हैं. लेट गो ऑफ द थिंग्स, मतलब उन चीजों को जाने दो. कौन सी चीजें? यू डू नॉट नीड, जिनकी आपको जरूरत नहीं है. तो आपको क्या लगता है इसका मॉरल और क्या होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी. तो इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. तो इसके बाद मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. अभी दीजिए इजाजत. और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.